नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ है बीना सिंह। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश को एक साथ मिली 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी ने भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन पर 2 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। 3 वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअल तरीके से दिखाई गई हरी झंडी। गोवा, बिहार और झारखंड को पहली बार मिला वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत में सवार बच्चों से पीएम ने की बातचीत, उनकी रचनाएं भी सुनी। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को किया संबोधित। देश भर के चुनिंदा 3000 बूथ कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए दिया जीत का मंत्र। कहा, भाजपा तुष्टिकरण के बजाय सभी वर्गों के संतुष्टिकरण पर करती है विश्वास। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 3 केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय की उपलब्धियों का दिया ब्यौरा। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, टोल सुधार से 70,000 करोड़ रुपए के ईंधन की हुई बचत। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना। वन, पर्यावरण एवं श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, वन्य जीव संरक्षण में भारत ने दुनिया को दी एक नई दृष्टि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अमरनाथ यात्रा के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा देखभाल के लिए जम्मू कश्मीर को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बालटाल और चंदनबाड़ी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की हुई स्थापना। देश के 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में मौसम विज्ञान विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट भी किया जारी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश से आफत। देश के कई इलाकों में बारिश के बाद नमी के कारण उमस में इजाफा। अमेरिका ने पाकिस्तान से दक्षिण एशिया में आतंकवाद की चुनौती से साझा तरीके से निपटने को कहा। अमेरिका ने पाकिस्तान पर लश्कर सहित सभी आतंकवादी समूहों को स्थायी रूप से खत्म करने पर दिया जोर। आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल किया जारी। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मैच से होगा वर्ल्ड कप का आगाज। अहमदाबाद में खेला जाएगा फाइनल। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 15 अक्टूबर को भिड़ेंगे चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए आज 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। 5 वंदे भारत रेलगाड़ियों में भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। रानी कमलापति इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण शहरों के बीच सरल और त्वरित यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी तथा क्षेत्र में सांस्कृतिक, पर्यटन एवं धार्मिक स्थानों की कनेक्टिविटी में सुधार लाने का काम करेगी। रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस महाकौशल क्षेत्र को मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र भोपाल से जोड़ने का काम कर रही है। इसके अतिरिक्त बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को लाभ होगा। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड और बिहार के लिए पहली वंदे भारत रेलगाड़ी होगी। पटना और रांची के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली ये रेलगाड़ी पर्यटकों, छात्रों और व्यवसायियों के लिए वरदान साबित होगी। धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक, धारवाड़ और हुबली में महत्वपूर्ण शहरों को राज्य की राजधानी बेंगलुरु से जोड़ेगी। इसे क्षेत्र के पर्यटकों, छात्रों, उद्योगपतियों आदि को अत्यधिक लाभ होगा। मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और गोवा के मडगांव स्टेशन के बीच चलेगी और इससे गोवा और महाराष्ट्र दोनों के ही पर्यटन को
बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रानी कमलापति स्टेशन पर लोगों का अभिवादन करने के बाद सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस के वे भीतर गए और उन विद्यार्थियों से मिले जो नए शुरू होने वाले वंदे भारत ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में सागर पब्लिक स्कूल और दूसरे स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अपने हाथ से बनी पेंटिंग और स्केच गिफ्ट किए। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर स्टेशन पर मौजूद लोग खुश नजर आए। प्रधानमंत्री स्कूली बच्चों और क्रू मेंबर से बात करने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस से बाहर आए। इसके बाद उन्होंने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार स्कूली बच्चों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। इस दौरान बच्चों ने पीएम के सामने अपनी रचनाएं भी प्रस्तुत की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहे। और सीधे ये राष्ट्रपति के दरबार हॉल में हम आपको ले चलते हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2023 के दूसरे चरण के रक्षा अलंकरण प्रदान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए। साधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल पीएन अनंत नारायणन, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह मनहास।
लेफ्टिनेंट जनरल हरमिंदर सिंह काहलों सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल सुनील पुरी गोस्वामी विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल वेलायुथन श्रीहरि शौर्य चक्र सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूट फर्नांडस विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप कुमार चहल। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश रामचंद्रन अय्यर। मेजर जनरल वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अरिंदम चैटर्जी विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल विनीत गौड़। मेजर जनरल वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा सेना मेडल।
मेजर जनरल वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा। मेजर जनरल वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल राघवाचारी संथाना रमन युद्ध सेवा मेडल। मेजर जनरल वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई सेना मेडल एवं बार। वाइस एडमिरल दीपक कपूर। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा नौसेना मेडल। एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार सिंह सेना मेडल सेवानिवृत्त। मेजर जनरल आलोक कक्कड़। मेजर जनरल संजय कुमार विद्यार्थी सेना मेडल।
मेजर जनरल देवेंद्र कुमार सेना मेडल। मेजर जनरल कीर्ति वर्धन जौहर विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल जुबीन ए मिनवाला युद्ध सेवा मेडल। मेजर जनरल नगेंद्र सिंह युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल। मेजर जनरल नवीन सचदेवा सेना मेडल। मेजर जनरल अजय चांदपुरिया विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल प्रशांत श्रीवास्तव सेना मेडल। मेजर जनरल अभिजीत एस पेंढारकर युद्ध सेवा मेडल। मेजर जनरल विजय कुमार मेजर जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल। मेजर जनरल रवि आर पाटिल विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
मेजर जनरल मनोज कुमार सेना मेडल सेवानिवृत्त। रियर एडमिरल अरविंद कटेरी पुलियाकोड विशिष्ट सेवा मेडल। रियर एडमिरल संजय साधु नौसेना मेडल। रियर एडमिरल समीर सक्सेना नौसेना मेडल। रियर एडमिरल धीरेन विग विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। सर्जन रियर एडमिरल सी एस नायडू विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। एयर वाइस मार्शल शनमुख सुंदरम आनंदन विशिष्ट सेवा मेडल। एयर वाइस मार्शल परमिंदर जीत वालिया। एयर वाइस मार्शल राजीव कुमार ओबरॉय। एयर वाइस मार्शल गुरु कृष्ण मोहन।
एयर वाइस मार्शल अखिलेश कुमार वर्मा विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। एयर वाइस मार्शल नरेंद्र तनेजा विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। एयर वाइस मार्शल गुमड़ी साहेद फनी नंदीस्वरा चौधरी विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। हरिंदर कुमार विशिष्ट सेवा मेडल अपर महानिदेशक सीमा सड़क। ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा बार टू सेना मेडल बार टू विशिष्ट सेवा मेडल। एयर कॉमोडोर विपुल सिंह वायु सेना मेडल। एयर कॉमोडोर आदित्य कुमार वाही वायुसेना मेडल। एयर कॉमोडोर धर्मेंद्र सिंह दांगी वायुसेना मेडल। और अब बार टू अति विशिष्ट सेवा मेडल मेजर जनरल के नारायणन अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल सेवानिवृत्त।
युद्ध, संघर्ष, युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल आनंदे सेन गुप्ता, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंदूरी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल राजू सोमाशेखर बग्गावली, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल। वाइस एडमिरल रविंद्र भरतृहरि पंडित, अति विशिष्ट सेवा मेडल। वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। वाइस एडमिरल मकरंद अरविंद हम्पी होली, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल।
एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर अति विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल चन्नीरा बंसी पोनप्पा अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल ज्योतिंदर सिंह संधु अति विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र दीवान अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल सूरज कुमार झा अति विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल शशांक शेखर मिश्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल मिलन एन भुरके अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल हर्षा गुप्ता उत्तम युद्ध सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र कुमार सिंह कुशवाहा अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल उत्तम युद्ध सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल कोदंडा पोवैया करियप्पा अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार चावला अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। एयर मार्शल संदेश प्रभाकर वागले वायुसेना मेडल सेवानिवृत्त।
एयर मार्शल कृष्णा स्वामी अनंत रमन विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। डायरेक्टर जनरल वीरेंद्र सिंह पठानिया प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल सेवानिवृत्त। राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए। राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का दूसरा चरण अब संपन्न हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, साथ में श्रीमती सुदेश धनखड़, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, अन्य विशिष्ट अतिथिगण दरबार हॉल से प्रस्थान कर रहे हैं। इसके साथ ही ये समारोह, तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण राष्ट्रपति भवन से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह के द्वितीय चरण के तहत अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल सहित कुल 82 मेडल प्रदान किए। तो इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।